अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एक्सपर्ट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शब्बीर शहरों पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल ब्लॉगर के ऊपर, हम रहते हुए किस तरह टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में एक कुछ ही मिनट्स के अंदर। मतलब कोई आधे घंटे का काम नहीं, बस कुछ ही फ्यू मिनट्स में हम कैसे करेंगे, ठीक है। टेम्पलेट को या थीम को कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर जस्ट गूगल के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम यहाँ से ब्लॉगर को यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके मतलब क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जाके डायरेक्ट भी ब्लॉगर लिख के हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो ब्लॉगर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन हमारा ऑलरेडी गूगल के साथ इंटीग्रेटेड है क्योंकि ये गूगल का ब्लॉग है। तो इसके जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ से ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस जीमेल को मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमने उसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं की, कुछ भी नहीं किया। हम जस्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर मैं आपको आऊँ नीचे तो व्यू ब्लॉग्स के ऊपर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्लॉग्स नज़र नहीं आएगा, ब्लॉग कोई भी नहीं है, ठीक है, बना हुआ, और देयर इज़ नथिंग हियर। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, जस्ट हम इसके थीम को चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करना है, ये तो फर्स्ट बड़ा सिंपल सा ना एक इंटरफेस है, तो इसको ज़रा ना मस्त सा बनाते हैं। तो कैसे बनाना है, जस्ट क्या करेंगे, हम सिंपल थीम्स में आएंगे, ठीक है। थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आप कुछ थीम्स मिल जाएंगे, तो ये ब्लॉगर के गूगल के अपने बनाए हुए थीम्स हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इनके ऊपर भी इनको भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा थीम लगाएं तो वो कैसे लगाना है, आप मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर अगर गूगल के ऊपर एक वेबसाइट खोलेंगे, सब मीरा के नाम से, तो इसे ज़रा एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा ना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ये जी सब मीरा का फर्स्ट इंटरफेस, तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसको अगर थोड़ा विज़िट कर लें तो यहाँ पर अगर फहाशी ना हो, अगर हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हो भी सकती है। और बस बस बस, तो ये कुछ टैम्पलेट्स हैं, ठीक है, आपके सामने जो नज़र आए फर्स्ट इंटरफेस के ऊपर। लेकिन हमने जो टैम्पलेट उठाना है वो ब्लॉगर के लिए उठाना है। यहाँ पे देखें, ब्लॉगर टैम्पलेट्स पढ़े हैं, वर्डप्रेस के लिए पढ़े हैं, एटीट्यूड व्हाट्सएप ये कुछ और ही है, ठीक है, इन्हें छोड़ दें, इग्नोर करें, हमें चाहिए ब्लॉगर टैम्पलेट्स। तो यहाँ पर आपको जस्ट मैगजीन के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि मैगजीन्स वाले बिल्कुल फ्री हैं और आपको मिल जाएंगे। इसे जस्ट क्लोज करना है और नीचे आएंगे और आते जाएंगे आप इन्हें देख सकते हैं, कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पड़ा एल्डर के नाम से, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर आप इसे चेक करना चाहें इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पड़ा हुआ है, इसे भी देख सकते हैं हम। मुझे इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है जी, मुझे पसंद आ रहा है ये वाला फास्ट मैक वाला, फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आ गया फास्ट मैक वाला। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ज़रा थोड़ा सा नीचे आएंगे, आते जाएंगे तो इसके अंदर वो बता रहा है जी मिनिमलिस्ट और रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर क्लॉमर्स, इसमें ये सारी चीज़ें बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3 सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड बटन इसका ओपन होके आएगा, जस्ट क्लिक करना है इसके ऊपर तो एक नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट पेज के बाद हमने इसके ऊपर कर देना है अगेन क्लिक, कैसे करना है वो ज़रा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 7 सेकंड्स 6 सेकंड्स कुछ इस तरह टाइम लेगा, 3 सेकंड 2 सेकंड्स। अब हमने फाइनली हमारे पास डाउनलोड का बटन आ गया, इसके ऊपर कर देना क्लिक, तो ये देखिए फाइल हो गई है डाउनलोड। हम इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। आपने क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे आता हूँ, ये मैंने पहले ही कर रखे हुए हैं, इन्हें छोड़ दें, इग्नोर करें आप। फिलहाल एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे पेस्ट करता हूँ। गौर से देखना और बड़े आराम से देखना आपने, इसे ज़रा एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखें जी हमारे पास फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसे ज़रा ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है ये वाला, ठीक है। एक तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैक ओएस इसे छोड़ दें, इग्नोर करें, फास्ट मैक के ऊपर क्लिक करना और ये वाला जो नोटपैड में पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करना है और जस्ट कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा और फिर कंट्रोल सी करके कॉपी हो जाएगा। जस्ट आपने इसे कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया और मैंने इसे जस्ट क्रॉस करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, सॉरी इधर आऊँगा ब्लॉगर के ऊपर, तो यहाँ से मैं यहाँ से चेंज करना चाहता था, मैं कर सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छे वाला चाहिए था। मैंने आपको साइट बता दी कहाँ से आपने इसे डाउनलोड करना है, ठीक है, इसे ज़रा मैं क्रॉस करता हूँ। या आपने जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और एडिट HTML के ऊपर आ जाना है,
यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर भी आपने अगेन कंट्रोल ए करना और ये सिलेक्ट होगा और फिर बैक स्पेस दबा के आपने इसे ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुआ, अगेन करेंगे, सॉरी हम करेंगे कंट्रोल ए, ख़त्म होगा। ठीक है, और अब हमें जो हमने कॉपी फाइल किया था, जो फाइल हमने सॉरी कॉपी की थी, उसे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो ये होगी पेस्ट। अब इसे हम कर देंगे सेव, यहाँ से कर दिया सेव, अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसका इंटरफेस जो था वो क्या था, ये था। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं यही लिंक से, ये देखें smartlinksolutions.blogspot.com। अब इसी लिंक को अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो देखते हैं हमारे पास, देखिए जी हमारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बटन्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केट डाउनलोड किए, अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी एज अ प्रोग्रामर, तो उसको करने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो हम उसे, मेरी कोशिश होगी अगर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वो भी कर लें। ठीक है, होप आपको थीम चेंज करना और कहाँ से थीम कहाँ से लेने हैं आपको वो भी समझ लग गई, और आपने कैसे चेंज करना है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बेबी लेवल तरीके से समझा दिया। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।